नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपसे फ्लावर शेयर करने जा रही हूँ, ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसको शेयर करने जा रही हूँ। इसको शेयर करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे इसके पत्ते कितने सुंदर हैं। ये एवरग्रीन प्लांट है। प्लांट क्या, ये ट्री है। अगर इसकी लंबाई की बात करोगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर सॉइल में इसको लगा दिया जाए तो ये काफ़ी, इसकी कितनी फीट तक, 8 से 12 मीटर तक इसकी लंबाई चली जाती है। दोस्तों, ये है आपका प्लांट नागकेसर। नागकेसर, नागेश्वर चंपा या नाग चंपा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और भी ढेरों इसके नाम हैं। दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि वास्तु में इसके बहुत महत्व है। अपने घर में लगाना ये शुभ माना जाता है। साथ ही आयुर्वेदिक दवा जो बनती है इसके पत्ते फूल से, बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिंस बनती है। और फेंग स्विंग में भी ये प्लांट है, इसके उसमें भी बहुत महत्व है। साथ ही इसके फ्लावर से परफ्यूम, इसके तेल से साबुन में काम आते हैं। और इसके फूल तो फूल, इसके पत्ते भी पूजा के काम में आते हैं। दोस्तों, इसकी ये स्मेल जो है काफ़ी अच्छी होती है। कुछ कुछ आपको मिलते जुलते जैस्मिन से लगेगी, लेकिन थोड़ी ये जैस्मिन से तेज़ होती है इसकी ये स्मेल। दोस्तों, इसके फ्लावर को अगर वार्डरोब में आप रख देते हो तो आपके जो कपड़े हैं उसमें भी सुगंध आ जाती है। अब इसकी सन की बात करते हैं तो इसे फ्लावरिंग प्लांट होते हुए भी इसको पूरी धूप में अगर रखते हो तो चलेगा ये, लेकिन अगर सेमी धूप है, कम धूप भी आती है तो ये फ्लावरिंग करता है। इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा धूप हो। पानी, दोस्तों पानी की बात कर लेते हैं तो पानी इसको नॉर्मल वाटर चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ी ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो ये बर्दाश्त कर लेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों इसमें फ्लावर्स जो आते हैं वो कई कलर में आते हैं। रेड भी आते हैं, वाइट भी आते हैं, ऑरेंज भी आते हैं, बहुत कलर के इसमें। अब मुझे पता नहीं मेरा ये फ्लावर किस तरह का कलर में आएगा। और इसके फ्लावर के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लूँ कि फरवरी से जून तक इसमें फ्लावर आते हैं। और इसमें दो कलर में, इसके बीच में अलग कलर का होता है जो काफ़ी सुंदर लगता है। फ्लावर जब आएंगे तो मैं आपसे इसको शेयर करूंगी। अगर इसको, ये ट्री है, प्लांट नहीं बोलकर इसको ट्री आप समझ सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि इसको अगर सॉइल में लगा दिया जाता है तो इसकी ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक चली जाती है। लेकिन साथ ही ये इतना बेहतर ढंग से मुड़ता है, आप देख भी रहे होंगे यहाँ। इसकी जो टहनियाँ हैं फोल्ड करने में बहुत आसानी होती है, इसलिए इसकी बुनशाई भी बहुत अच्छी बनती है। दोस्तों, इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो मधुमक्खी और तितलियों को बहुत बुलाते हैं। अब इसको वातावरण कैसा पसंद है तो हुमिड और वार्म जो वातावरण होता है इसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दोस्तों, इसके सॉइल की बात कर लेते हैं तो सॉइल में इसकी अच्छी सॉइल होनी चाहिए। यानी पहली अच्छाई का मतलब तो ये होता है, जब मैं पॉट में लगा रही हूँ तो इसके सॉइल में सैंड मिली होनी चाहिए ताकि ड्रेनेज अच्छी हो। दूसरी बात है कि इसमें आप, मैं जो करती हूँ वो 40% इसमें मेरा सॉइल रहता है, 40% इसमें मैं खेत की सॉइल रखती हूँ और 40% मैं इसमें सैंड रखती हूँ। साथ ही 20% में मैं इसमें गोबर की खाद और पत्ते की खाद डाल देती हूँ। दोस्तों, इसमें आपको बाद में भी फर्टिलाइज़र देने पड़ेंगे, जो महीने में 2 बार आपको देने चाहिए। फर्टिलाइज़र आपको जो देनी है वो आपको फास्फोरस वाली फर्टिलाइज़र देनी अच्छी रहेगी, तो फास्फोरस वाली फर्टिलाइज़र आप इसमें दें। ब्लड मिल भी आप इसमें दे सकते हैं, वो भी इसके लिए अच्छा रहता है। धूप आप, मैं जो बोली हूँ तो धूप ऐसा नहीं है कि धूप नहीं, एकदम से छाए में नहीं रख देनी है आपको। शेडी एरिया, बहुत ज़्यादा धूप, जहाँ थोड़ी देर के लिए धूप आती हो वहाँ भी ये
खिलता है, बहुत सारे रंग में ये आएगा आपका, पीला उजला पिंक किसी भी कलर में आएगा। दोस्तों धूप तो धूप की बात हो गई, अब ठंड की बात कर लेती हूँ। ठंड इसको बहुत ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है, इसलिए ठंड में जरा इसका ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा ठंड आपके यहाँ पड़ती हो तो आप इसको इनसाइड ले जाए तो बेहतर रहेगा। ब्लूमिंग टाइम इसका वैसे तो आप फरवरी से जून तक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई कोई प्लांट आपका इसमें सितंबर से अक्टूबर में भी फ्लावरिंग कर जाता है। ये इसकी वैरायटी पर निर्भर करती है। दोस्तों इस फ्लावर को लगाकर आप बहुत ही इंजॉय करेंगे मैं जानती हूँ। स्प्रिंग में आप इसकी प्रूनिंग कर दे सकते हैं, जो डाल आपको नहीं रखने हैं, हाइट कम रखनी है तो आप जो स्प्रिंग करने में आप इसकी प्रूनिंग कर दे, प्रूनिंग बेहतर रहेगा कि आप स्प्रिंग में करें। दोस्तों इसमें अब थोड़े कीड़े की भी बात कर लेते हैं, कीट वगैरह से भी परेशानी होती है तो इसमें स्पाइडर माइट, मिली बग, वाइट फ्लाई ये सब का खतरा बहुत होता है। तो इसमें आप नीम ऑयल का उपयोग करें या फिर उसको नहीं हटने पर ज़्यादा परेशानी होने पर आप केमिकल पेस्टिसाइड में भी जा सकते हैं। दोस्तों तो इतने खूबसूरत फ्लावर को लगाएंगे, मैं जानती हूँ आपको भी ये लगाना पसंद आएगा, तो इसे ज़रूर आप लगाएं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।